नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। ट्रंप ने चीन को फिर से सख्त लहजे में समझाई अपनी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कोविड-19 के फैलते असर के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हैं। वहीं कई बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का ऐलान भी जारी किया है। वहीं एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सख्त भरे लहजे में समझाते हुए यह साफ कह दिया है कि चीन के खिलाफ गंभीर जांच की जा रही है और उसे भारी भरकम हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जर्मनी के मुकाबले उनसे ज्यादा हर्जाना वसूला जाएगा। बता दें, जर्मनी ने चीन से 130 बिलियन यूरो की मांग की है। इसी के तर्ज पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से भारी भरकम राशि मांग करने की बात कही है। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि चीन इस मामले पर लगातार झूठ बोल रहा है कि वह इससे बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ICMR द्वारा रैपिड टेस्ट किट को रोके जाने पर चीन ने दी सफाई। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण चीन ने कुछ दिनों पहले ही भारत में रैपिड टेस्ट किट की बड़ी खेप भेजी थी, जिसके बाद भारत में टेस्ट की गति में इजाफा होने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि किट के इस्तेमाल के बाद परिणाम में मिली गड़बड़ियों के बाद ICMR ने किट को पूरी तरीके से रोक लगा दी थी, जिसके बाद ICMR ने साफ तौर पर मंगवाए गए सभी किट को वापस भेजने का ऐलान जारी कर दिया था। साथ ही 15 लाख किट के ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद चीनी कंपनी वॉन्टफो ने सफाई देते हुए यह कहा है कि हमें ICMR की संस्थान NIB पुणे ने ही सर्टिफिकेट दिया था और हम ICMR के चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। सब कुछ जांच पड़ताल के बाद ही इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। WHO ने दी सफाई। 30 जनवरी को ही दे दी गई थी सलाह। जहां एक तरफ WHO वर्तमान समय में आलोचनाओं की रडार पर है, वहीं दूसरी तरफ WHO ने सफाई देते हुए कहा है कि हमने सभी देशों को 30 जनवरी को ही यह बता दिया था कि कोविड-19 से बचाव की जरूरत है। इतना ही नहीं, हमने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के बढ़ते असर के लिए चीन का पक्ष लेने की बात कही थी। वहीं इसके परिणाम स्वरूप ही डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को जाने वाले फंड को भी रोक दिए जाने का ऐलान जारी किया था, जिसके बाद WHO प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने कहा कि हमने पहले ही सभी देशों को सलाह दे दी कि सब अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें WHO की सलाह के महत्व को समझना चाहिए था। केंद्र सरकार जल्द ही 3 मई के बाद स्कूल कॉलेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने को लेकर करेगी अहम ऐलान। कोविड-19 का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भाई बंद की अवधि की आखिरी तारीख भी सामने आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए 3 मई के बाद स्कूल मॉल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने से संबंधित ऐलान जारी करने की बात कही है, जिसका संकेत सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 3 घंटे चली बैठक में दे दिया था। इसके बाद मीटिंग में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि जल्द ही केंद्र सरकार सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दे सकती है, लेकिन रेलगाड़ी और हवाई सेवाओं की बहाली का फिलहाल कोई संभावना नहीं जताई गई है, जिसके बाद अब सभी आम नागरिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश का इंतजार है। कोविड-19 के हल्के लक्षण पर भी करें अपने आप को आइसोलेट। कोविड-19 ने इस समय पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं लगातार भारत में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ट्रेसिंग की प्रक्रिया को तेज करने की अपील की थी। साथ ही आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी लेते हुए अपने आप को इससे बचाए रखने, साथ ही सामाजिक दूरी बनाने की जरूरत रहने की भी बात कही है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते दिन गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अगर लोगों के पास घर में रहने और आराम करने की बेहतर सुविधा है तो वह होम आइसोलेशन का पालन कर सकते हैं, जिनमें कोविड-19 के हल्के लक्षण भी दिखाई देते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर डॉक्टर किसी में हल्के लक्षण होने की बात करते हैं तो ही वह अपने साथ ऐसा करें, इससे घर पर आइसोलेशन की सुविधाएं बढ़ेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी लोगों से एक बार फिर से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की बात भी कही है। अमेरिका के रास्ते पर चला भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर बनी दीवार के तर्ज पर भारत ने अपने सभी राज्यों की सीमा पर ऐसी दीवार खड़ी करने पर सोच विचार कर रहा है। बीते दिन एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार कई राज्य अपने बॉर्डर को सील करने के लिए बैरिकेड्स को रख रहे हैं या फिर वहां पर दीवार खड़ी कर रहे हैं, ताकि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही ना कर सके। पिछले दिन तमिलनाडु के वेल्लोर के पास आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर 2 कंक्रीट की दीवार देखकर हैरान हो गए। रोड को बंद करने के लिए रातों रात यह दीवार तैयार कर दी गई थी। वहीं दिल्ली यूपी हरियाणा बॉर्डर, उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर, गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर को भी बैरिकेडिंग से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, ताकि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही बिल्कुल भी ना कर सके। हालांकि इनमें से कई राज्य ऐसे हैं जो 3 मई के बाद भी बंद की अवधि को बढ़ाए रखने की अपील कर रहे हैं। बंद के दौरान सप्लाई नहीं रोकने के लिए सरकार ने जारी किए आदेश। कोविड-19 के फैलते असर के बीच सरकार ने सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट निर्माण कार्य को धीरे धीरे शुरू करने का ऐलान जारी किया था। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए बीते दिन 11 बजे देश के सभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और PWD के मंत्रियों से बातचीत की है, जिसके तहत उन्होंने जरूरी सामान से जुड़ी सप्लाई को छूट देने, साथ ही ट्रक को आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने की पहल को तेज करने की अपील की है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्माण कार्य में सामान की दुकान भी खोलने का आदेश जारी किया है, ताकि वह सामान की आवाजाही आसानी से हो सके जो निर्माण कार्य में आवश्यक है।
गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को वापस लौटाने के फैसले को बताया गलत। जहां एक तरफ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अपने यहां पर दूसरे राज्यों के रह रहे प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वहीं गृह मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि वर्तमान समय में जब कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में प्रवासी मजदूरों को वापस लौटाना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक कई ऐसे इलाके हैं जिसमें कोविड 19 का संक्रमण इतना ज्यादा नहीं फैला है। ऐसे में अगर भारी तादाद में लोगों की आवाजाही शुरू हुई तो संक्रमण के फैलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में 12 अप्रैल को एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करवाए थे, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था कि बड़े समूह में लोगों को एक साथ यात्रा करने से कोविड 19 गंभीर रूप से प्रकट होगी, जो इसे असहनीय बना सकती है। 19 बार कोरोना पॉजिटिव आने के बाद युवक की रिपोर्ट आई सामान्य। यह वाकया कोची का है, जहां पर एक युवक में कोविड 19 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं उसके जांच के बावजूद इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आ रही थी। हालांकि यह युवक स्वस्थ बताया जा रहा है। युवक को 41 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। खबरों की माने तो कोविड 19 से प्रभावित व्यक्ति पिछले महीने ही लंदन से लौटा था। मल्लपुरम का रहने वाला यह युवक शारजाह के रास्ते लंदन से होते हुए भारत पहुंचा था, जहां पर आने के बाद उस पर कोविड 19 के लक्षणों को देखा गया था, जिसके बाद 18 मार्च को युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, जिसके बाद 19 बार जांच के बावजूद युवक की रिपोर्ट सामान्य नहीं आई थी। हालांकि अब जाकर के युवक ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें, लगातार भारत में कोविड 19 के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सभी राज्यों में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया और ट्रेसिंग की प्रक्रिया को तेज करने की अपील की है। असम सरकार ने दी आज से 3 दिनों के लिए अंतर जिला यात्रा करने की मंजूरी। असम सरकार ने बंद के कारण फंसे हुए परिवार के सदस्यों को घर लौटने के लिए एक खास कदम उठाया है, जिसके तहत मदद करने के लिए 28 अप्रैल से 3 दिनों के लिए 28,000 से अधिक लोगों को दो तरफा अंतर जिला की यात्रा करने का ऐलान जारी किया है। वैसे तो फंसे लोगों को अपने स्वयं के वाहनों का उपयोग करने की अपील की गई है, क्योंकि सरकार वाहनों की व्यवस्था नहीं कर रही है। राज्य सरकार द्वारा जारी जानकारी के तहत 47,000 से अधिक लोग अपने घरों तक यात्रा कर चुके हैं। हालांकि जो लोग बचे हुए हैं उन्हें 3 दिन तक की मोहलत दी गई है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 25 से 27 मार्च के बीच अंतर जिला यात्रा के लिए 28,000 से अधिक लोगों ने आवेदन को खारिज कर दिया गया था। वहीं हालात अब सामान्य देखते हुए इन लोगों की अंतर जिला यात्रा के आदेश जारी कर दिए गए हैं। व्हाट्सएप के यूजर को मिला एक नया फीचर अपडेट। सभी व्हाट्सएप यूजर के लिए अहम सूचना। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने फीचर में बदलाव करते हुए ऑफिशियल ग्रुप कॉल पर 4 से ज्यादा लोगों को एड ऑन करने का सपोर्ट पेश किया है। यानी कि व्हाट्सएप यूजर एक साथ 8 लोगों से ग्रुप वीडियो और वॉइस कॉल कर सकेंगे। व्हाट्सएप ने यह फीचर ग्रुप वॉइस कॉल के लिए भी दिया है। हालांकि व्हाट्सएप का यह नया फीचर फिलहाल स्टेबल सपोर्ट आईफोन यूजर के लिए पेश किया गया है। iOS के लिए व्हाट्सएप के लेटेस्ट अपडेट में iOS 13 के लिए विजुअल इम्प्रूवमेंट में जोड़ा गया है, और आईफोन यूजर्स लेटेस्ट वर्जन को ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या चीन को कोविड 19 के फैलते असर के लिए जिम्मेदार ठहराना सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।